हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह सुबह बना रही हूँ। मुझे मतलब इंटुइटिवली मैसेज आया था कि वीडियो बनानी है, और एक कुछ मतलब मैसेज इसी तरह का था कि मतलब साईं बाबा हमें बोल रहे हैं कि आपको ये करने की ज़रूरत है और ये नहीं करना है, ठीक है। तो आज मैसेज यहाँ पर ऐसे ही निकल रहे हैं, तो इसी तरह का मैं मैसेज आपको दूंगी, ठीक है। साथ में हम कृष्णा जी के भी मैसेज लेंगे कि कृष्णा जी, आज थर्सडे है तो विष्णु भगवान का भी दिन है, तो उनकी तरफ से भी आज हम एक मैसेज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज वही रीडिंग रहेगी, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, कमेंट से पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और प्लीज़ ऐसे ही कमेंट्स करते रहे, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसे दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम लेते हैं साईं बाबा, बहुत शॉर्ट रीडिंग रहेगी आज की फ्रेंड्स। तो जैसे भी मैसेज निकलते हैं मैं इंट्यूटिवली मैसेज पिक करूँगी आज यहाँ पर। सिर्फ वन कार्ड्स लेंगे हम यहाँ पर। वन कार्ड्स में साईं बाबा हमें पहले हम लेंगे मैसेज, पूछेंगे साईं बाबा से कि हमें बार बार ठीक है, क्योंकि मैं कार्ड काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही हूँ यहाँ पर साईं बाबा से। मैं काफ़ी टाइम से मतलब एक अलग ही एनर्जी में थी आज मैं, इसलिए तो हम बोलेंगे साईं बाबा से, पूछ रहे हैं हम, मैसेज देंगे साईं बाबा हमें क्या करने की ज़रूरत है, फिर हम पूछेंगे हमें क्या नहीं करना है, ठीक है साईं बाबा। ओम साई राम, ओम साई साईं साईं, क्या करना है, क्या करने की जरूरत है साईं। ओम साईं राम, साईं ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। वन कार्ड साईं, ओम साईं, क्या करने की जरूरत है ओम साईं। ओके, क्या करना है, कार्ड लिख रहा है नाइट ऑफ कप्स का। तो साईं बाबा की तरफ से मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि हमें, जो भी व्यूअर्स है, जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर, इंटेंशन मैंने वही डाला था कि हम सबको, साईं बाबा की तरफ से मैसेज आ रहा है कि हम सबको एक मतलब एक ऐसी एनर्जी में रहना है, हमें इस तरह से अपने आप को मतलब एक हीलिंग प्रोसेस पे, मुझे ऐसा लग रहा है साईं बाबा बोल रहे हैं कि आप हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हो अभी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हील किया जा रहा है ताकि आप दूसरों को कुछ दे सको, गिवर गिवर उसमें आ सको, ताकि अपनी चीज़ों को आप दूसरों से शेयर कर सको, आगे बढ़ सको, अपनी फीलिंग को शेयर कर सको, अपनी चीज़ों को शेयर कर सको, ठीक है। आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में अभी तक आपकी रुकी हुई थी। आप अपनी कहते हैं ना, अपने दिल की चीज़ों को आप या मन की बातों को किसी से आप बोल नहीं पा रहे थे या कह नहीं पा रहे थे, अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने दबा के रखी हुई थी। तो साईं बाबा का मैसेज यहाँ पर आज यही आ रहा है कि आगे बढ़ना है, अपने दिल की चीज़ों को दिल में मत रखो, मन की चीज़ों को मन में नहीं रखना है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी से अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि साईं बाबा यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं आपको कि आप हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हो, आपको हील किया जा रहा है, आपका हार्ट चक्रा अभी तक ब्लॉक था वो हील किया जा रहा है, ताकि आप लोगों से शेयर कर सको अपनी चीज़ों को। अभी तक आपने अपनी चीज़ों को बहुत दबा रखा था, एक स्टक एनर्जी में थे आप मतलब लोगों से एक बाउंड्री बना रखी थी, आप किसी को मतलब एक कहते हैं ना, अंदर नहीं आने दे रहे थे, और ना ही उन लोगों के पास आप जा पा रहे थे। तो साईं बाबा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको लोगों से घुलना मिलना है, अपनी अपनी हर चीज़ को, अपनी भावनाओं को, अपनी हर चीज़ को शेयर करने की ज़रूरत है यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर अभी तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी आपके साथ, कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे हेल्थ में, कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लोगों से मिलना जुलना, ये सब आपका मतलब एक हो रखा था कि आपने अपने आप को किसी चीज़ में एक बंद कर रखा था। तो यहाँ पर साईं बाबा बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम थी उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ो और आगे की तरफ आपको बढ़ना है, आपको एक्शन लेना है। आप लोगों से अपनी दिल की बातों को बोलोगे, आगे सारी चीज़ें आपको अपनी अपनी फीलिंग को शेयर करना है यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत मतलब आपको इस उस पे ले जाया जा रहा है कि आप कहते हैं ना, अपनी अपनी दिल की बातों को, मन की बातों को आप बहुत जल्दी किसी से शेयर करने वालों। यहाँ पर साईं बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर कुछ कहना चाहते थे, किसी से बोलना चाहते थे, आप अपने दिल का हाल बताना चाहते थे किसी को, तो वो आपको बताने की ज़रूरत है, ये बोल रहे हैं आपको। आगे बढ़ो, उन सब चीज़ों को शेयर करो जो अभी तक आपने मन में रख रखी थी, ठीक है। साईं बाबा आपको ये बोल रहे हैं, आप हीलिंग पे थे अभी तक, एक्शन नहीं ले पा रहे, तो अब आप एक्शन लोगे, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। सेकंड कार्ड लेते हैं, क्या नहीं करना है, ठीक है। ओम साई राम, बहुत आप ईमानदारी से, साई बाबा बोल रहे हैं आप बहुत मतलब एक दिल के साफ हो चुके हो, क्योंकि आपको हीलिंग बहुत दी गई थी। मुझे अभी ऐसा लग रहा है आप बोल नहीं पा रहे थे किसी से कुछ भी, अपनी दिल की बातों को कह नहीं पा रहे थे, तो वो आपको बाबा का मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको बोलना है, आगे बढ़ना है। आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पर ब्लॉक लग रहा है, ओम साई राम, क्या नहीं करना है, ओम साई राम। ओके, कार्ड आया था क्या नहीं करना है, इसके लिए कार्ड आया था आपका नाइन ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स काफ़ी टाइम से आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये नहीं करना है, दूर से किसी चीज़ को आपको देखना नहीं है। आप काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, एक जगह खड़े हुए हो, सोच विचार में लगे हुए हो, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। किसी की चीज़ को ध्यान नहीं देना है, मतलब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आपके जैसे ये कितना वेंट्स है इसके पास, काफ़ी वेंट्स है, वेंट्स मतलब काफ़ी सपोर्ट है इसके पीछे, ये अपने सपोर्ट सिस्टम को समझ नहीं रहा है, ठीक है। काफ़ी सपोर्ट भी है और हाथ में भी है इसके, तो ये अपनी चीज़ों की तरफ ना देखते हुए मतलब दूसरों की तरफ देख रहा है ये पर्सन, तो आपको वो नहीं करना है। आपकी अपनी अंदर की प्रतिभाओं को, अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने की ज़रूरत है। सॉरी, फिर मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप बोल नहीं पाते हो अपनी चीज़ों को, दूसरों के सामने रख नहीं पाते हो, आपके अंदर बहुत मतलब वो कहते हैं ना, कूट कूट के प्रतिभाएं भरी हुई हैं, लेकिन आप अपनी चीज़ों को शेयर करो, अपनी चीजों को देखो, ना कि दूसरों की देखने की बजाय, ठीक है। बहुत ओनेस्ट हो आप, साईं बाबा बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, ओनेस्ट हो हर चीज के लिए, अपने एक वो कहते हैं ना, किसी चीज को आपने बहुत ज्यादा वो कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है अपनी चीजों को बहुत, आप सॉरी मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने वो कर रखा है, हिडन रख रखा है, और सॉरी मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है, और आप मतलब अदर पर्सन की चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो उन सब चीज़ों को, तो वो नहीं करना है आपको। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना है, और अपनी ऑनेस्ट, आप बहुत ऑनेस्ट हो, अपनी ऑनेस्टी पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है, अगर आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, उनको रोकना नहीं है, तो यहाँ पर मुझे बहुत ग्रोथ है आपके लिए।
ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है, ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ना है आपको। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ना कि दूसरों की चीजों को। ठीक है, क्लियर मैसेज है आपको यहाँ पर। आपको प्यार से रहना है, प्यार से हर चीज को हैंडल करना है, एक्शन लेना है, आगे की तरफ बढ़ना है। क्या नहीं करना है, ये कार्ड आया था कि ये नहीं करना है आपको। ठीक है, साईं बाबा की तरफ से ही क्लियर मैसेज है आपके लिए। कोई आपसे अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा है, नहीं करना है, उन सब चीज़ों के आपकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर द टावर का था। ठीक है, टावर यही बताता है, न्यू बिगनिंग को बताता है। कुछ टूट गई हैं, वो अब वापस से बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब निकल के आ रहा है। आपके पास में कुछ चीज़ें ऐसी चीज टूटी थी, आप कह नहीं पा रहे थे, आप बोल नहीं पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा, तो साईं बाबा यही बोल रहे हैं, आपको यही करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, लास्ट में हम लेते हैं कृष्णा मैसेज। कृष्णा, हरे कृष्णा, ओम साई, जय श्री कृष्णा। ओके, कार्ड आया है डोनेट। ठीक है, तो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं, आप हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हो। ठीक है, हीलिंग हमारी बहुत, मतलब इजी भी होती है, ये कह लो इजी भी नहीं होती है। तो हम जब उन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर परमात्मा हमें कुछ मैसेज ऐसे देते हैं, ताकि जो जिस सिचुएशन में आप चलते रहते हो, वो इजीली आपके इश्यूज कटते जाएं, प्रॉब्लम है वो कटती जाएं। ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो हमारी प्रॉब्लम होती है वो इजी होती चली जाती है, हमारे कुछ कर्मा की वजह से। इसलिए कृष्णा जी ने यहाँ पर यही मैसेज दिया है कि आप जितने दूसरे लोगों की हेल्प करोगे, जितनी प्रॉब्लम आप उन सब चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है। ठीक है, हर इंसान को अपने में देखो, कृष्णा जी आपको यही बोल रहे हैं, हर इंसान में मैं ही हूँ। तो आपको उन ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है, डोनेट करना है आपको। कृष्णा जी आपको क्लियर बोल रहे हैं, आपको डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपनी सक्सेस की तरफ जा सको, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैसेज थे आपके लिए, बहुत शॉर्ट रीडिंग की थी। ठीक है, ये तो आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, और रेजोनेट होते तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। ओम साई राम।